देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। समाज सेवा के क्षेत्र में मिसाल बनी ऋषिकेश की बेटी संजना वत्स रस्तोगी। शादी के बाद अपने ससुराल मेरठ में पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया के मंत्र को चरितार्थ करने के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ पिछले कुछ वर्षों से वह पूरी शिद्दत के साथ जुटी हुई हैं। युवतियों की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद की है। उनकी मुहिम धीरे धीरे रंग भी लाने लगी है। शुभ वेलफेयर सोसाइटी की प्रांतीय अध्यक्ष व फाइन आर्ट सोसाइटी की उपाध्यक्ष पद पर रहकर जन सहयोग के बूते उन्होंने बाल शिक्षा एवं युवतियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के बूते एक अलग पहचान बनाने का काम किया है। शादी के बाद युवतियों का जीवन घर में सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं रह जाता। कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो नवजीवन में प्रवेश करने के बाद भी किसी भी क्षेत्र में युवतियां सफलता के सपनों को तय कर सकती हैं। मौजूदा दौर के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की बुलंदियों को छूने वाली अनेकों युवतियों ने इसे सच साबित कर दिखाया है। ऋषिकेश की बेटी संजना ने भी बच्चों के कल्याण और समाज सेवा के सोशल विजन के जरिए मेरठ जैसे महानगर में रहने के बावजूद अपनी खास पहचान बनाई है। ऋषिकेश की पूर्व पालिका अध्यक्ष स्नेहलता शर्मा की लाडली बेटी संजना का विवाह जब वर्ष 2000 में मेरठ के बिजनेसमैन परिमल के साथ हुआ तो शायद ही उसने सोचा होगा कि वह घर की दहलीज से बाहर निकलकर अपनी सोशल सेवा के मिशन के सपने को साकार कर पाएगी। लेकिन पति के बेहद सहयोगात्मक रुख के चलते वे अपने सपनों को पंख लगाने में कामयाब रही। एक खास मुलाकात में संजना ने बताया कि समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ खास करने का श्रेय पति के सहयोग के साथ साथ माता पिता से मिले संस्कार को है, जिसकी बदौलत वह आज एक पहचान बना पाने में कामयाब हो पाई है। आपको बता दें कि संजना ऋषिकेश के राजनीतिक परिवार से जुड़ी है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश से अमित सूरी की विशेष रिपोर्ट। अभी फिलहाल मेरी संस्था ने चाइनीज मांझे को लेके रोकने के लिए एक अभियान चलाया था, जिसमें हमें पूरी सफलता मिली। सरकार ने हमारा साथ दिया, पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ दिया, जिसके लिए जगह जगह छापे मारे गए। जहाँ जहाँ भी जिस भी दुकान पे चाइनीज मांझे के रोल मिले, पुलिस प्रशासन ने उसे अपने कब्जे में लिया। और पूरी तरह से इस बसंत पंचमी से पहले शहर में सिर्फ 10% मांझा ही बिक पाया, 90% मांझे को पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ पुलिस प्रशासन का, सरकार का, हमारी आम जनता का, जिन्होंने हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दिया। एक कार्यक्रम युवा छात्र छात्राओं को समझाने के लिए चल रहा है, जिससे कि छेड़छाड़ की घटनाओं पे अंकुश लगाया जा सके। मैडम, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के विषय में क्या विचार हैं आपके और क्या योजनाएं हैं आपकी? महिलाओं और युवतियों को सक्षम बनाने के लिए हमें समाज को और सबसे पहले सरकार को आना होगा। बिना सरकार की दी हुई रियायतों के हम महिलाओं को, युवतियों को सक्षम नहीं कर सकते। सरकार को अपनी नई नई योजनाएं लानी होंगी। भविष्य की क्या योजनाएं आगे? फिलहाल भविष्य की योजनाओं के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हम लोग कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने वाले हैं। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।